ये देखिए जी, बैठा के मैं इसे गया हूँ यहाँ पे सुबह सुबह, केज में से निकालते साथ ही, और हमारा जो जो पॉटी ट्रेन ऑलमोस्ट होता जा रहा है। ये देखिए फिश टैंक, देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है सफाई के बाद। और किधर गया फीड इनकी, ये आ गई हमारी मछलियों की फीड। चलो आ जाओ फीड खाने। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ब्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। जो जो की पॉटी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है ना वो पॉटियाँ इधर उधर घर में करें, ताकि घर वालों को भी मसला ना हो, और ज़्यादा जो है ना वो वॉशरूम में करें। एक दफ़ा उसको समय लग जाएगी ना कि वॉशरूम में करनी है, तो फिर वो खुद ही थोड़े से पार भी निकलेंगे तो खुद ही वॉशरूम में भी चला जाया करेगा। पैरट्स जो होते हैं बड़े, ये पॉटी ट्रेन हो जाते होते हैं, लेकिन बचपन से ही इन पर मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, और फिर जो है ना आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। थोड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो अगर आपके पास छोटे पैरट हैं उनको लाजमी ट्रेन करें, उन स्पेशली जो बोलने वाले पैरट होते हैं जो आपकी ज़बान थोड़ी बहुत ही समझते हैं, उनको आप कोई कमांड दें, उस कमांड पे देखिए वो पॉटी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये देखें जी, फीड पूरे हमारे एक्वेरियम में फैल गई है, और ये मछलियाँ जो है ना इंजॉय कर रही हैं इधर कोने में। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ना थोड़ी देर तक सारी फीड खा लेंगी, तो हम जो है ना वो चलते हैं अपने शामुओं के पास। इसको बंद कर देते हैं, इस फीड को भी यहाँ पे रख देते हैं। शामुओं का सीन जो है ना वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया। रात को जो है ना मैं इनको खाना डाल रहा था या पता नहीं कुछ कर रहा था, तो मेरे से ना ये ऊपर वाला खुला रह गया, और एक मुर्गी ने जंप लगाई इधर, और रात इधर मिट्टी में बैठी हुई है। उसने मिट्टी सारी यहाँ पे खिलारी भी थी तो सारी उठाई है, अभी पीछे अभी भी गिरी भी है। वैसे भी इनका ये लास्ट दिन है नीचे का, ये आज जो है ना ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। ऊपर पहले सफाइयाँ होंगी आज, और फिर उसके बाद इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिर जो है ना हमारे सारे बर्ड्स तकरीबन ऊपर चले जाएंगे, डक्स रह जाएंगी। डक्स को भी हम नीचे से लेके आएंगे, उनको भी ऊपर एक खुड्डा देंगे, ताकि वो जो है ना वो भी अपने खुड्डे में रहें। तो गाइस छत पे आ गए हैं, बिलाल भाई भी आ गए हैं हमारे सफाइयाँ करने के लिए, और ये देखें दूसरा अंडा आ चुका है मोरों का। इससे पहले कि ये टूट जाए हम इसको उठा लेते हैं। मोटा मोटा गंद सारा उठा लिया हमने, अब जो है ना इसको पानी मार के अच्छी तरह जो है ना सारा जगह नीट क्लीन करेंगे। इसी तरह ही जो है ना फिर इस केज की बारी आएगी, फिर इन केजिस की बारी, और इन केजिस की बारी आएगी। जो है ना अभी हम सोच रहा हूँ कि कौन से केज में जो है ना अपने क्वैकी और डक्की को जो है ना वो मूव करें। वो नीचे से डक्स भी ले आएंगे, एक कुड्डे में डक्स डालेंगे। सेंटर वाला आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम ला कर रखेंगे शामू अपने, और इधर वाले में जो है ना तोते मूव करेंगे मोरों के साथ, क्योंकि तोतों ने तो मोस्टली ऊपर ही उड़ते रहना होता है, तो वो ऊपर उड़ते रहेंगे अपना, और जो मोर हैं वो अपना नीचे घूमते फिरते रहेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि हमारे शामों को अच्छी खुली जगह मिल जाएगी, उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये देखें जी, बिलाल भाई हमारे कॉकटेल जो है ना छोड़ने लगे, न्यू घर मिल गया। अब इनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा वरना मोर इनको मारेंगे। मैं इधर से तोते पकड़ रहा हूँ, और बिलाल भाई जो है ना साथ वाले केज में छोड़ रहा। बस बहुत ज़्यादा है आज, और गर्मी से जो है ना बुरे हालात होने वाले हैं आज। बहुत मेहनत के बाद जी तीनों कॉकटेल भी हम तीनों लबड़ भी हमने पकड़ लिए हैं, और अब ये बिलाल भाई को देते हैं। बिलाल भाई अंदर जाकर छोड़ेंगे, वो देखें हमारे कॉकटेल्स को देखें, मोरों के साथ जाके ऐसे सुकून से बैठे हुए हैं, जैसे इनको कोई फिक्र फाका ही ना हो कि मोर इनको मार सकते हैं। अब लबर्ड छोड़ते हैं बिलाल भाई, तो देखते हैं कि ये ऊपर जाते हैं कि ये भी नीचे बैठ जाते हैं।
बेचारे को मैंने घुमाया फिर ना जरा थोड़ा सा, तो वो थक गए। चलो जी लबड़ तो ऊपर चले गए भाई, एक वो बैठ गया पीच फेस का हमारा जोड़ा जो हमने गिव अवे के लिए लगाया हुआ, वो यहाँ बैठ गया। कॉकटेल भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले ही जाएंगे, इनके दाने का बंदोबस्त भी चेंज करना पड़ेगा हमें, वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। बॉक्सेस भी हमने मोरों के केज में ही लगा दिए हैं, और इधर की जो है ना झाड़ू वाली सफाई जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर जो है ना बिलाल भाई कह रहे हैं पहले सब केजेस में झाड़ू लगा के मोटा मोटा गंद निकाल लेंगे, फिर एक दफ़ा सुकून से पानी मार के ना सारा धो देंगे। तो अभी जो है ना वो झाड़ू वाली सफाइयाँ चल रही हैं सारी। ये देखें इधर, ये देख रहे हैं सारे के क्या चल रहा है। हाँ भाई क्या मसला तुम लोगों का, चलो चलो अपने काम को लगो। तुम क्या देख रही हो ब्लू और पिंगटन? इन दोनों को भी जो है ना वापस अपने अपने केजेस में मूव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब ये दोनों केजेस साफ हो जाएंगे फिर। गाइस ये चक्कर है, मोरों के पिंजरे की फुल सफाई हो गई है और काफ़ी खुश लग रहे हैं ये सफाई के बाद। खाने पीने में मसरूफ़ है मोर, तो मोरनियाँ इधर उधर देख रही हैं बस। और ये देखें इधर हमने गटर बनाया हुआ है, गटर नहीं बनाया, इधर सफाई चल रही है, पानी शन मारा है, और ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे हम सारा। और जैसे इधर सफाई हुई हुई है वैसे इधर भी सब साफ हो जाएगा। इस वाले खुडे को देखें, ये वाली सफाई भी इन प्रोग्रेस चल रही है। तो बिलाल भाई के साथ हम खुद भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है इतनी सफाइयाँ करना, बीच बीच में जो है ना वो आपके लिए ब्लॉग का कॉन्टेंट भी जो है ना वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहनतें जा रही हैं। ये वाले पिंजरे में भी पानी डाल दिया, ये वाले पिंजरे में भी पानी डाल दिया कि जो भी नीचे गंद है वो थोड़ा नरम हो जाए और उसको निकालना आसान हो जाए। बेसिकली इधर भी पानी इसलिए डाला हुआ है, और ये अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल देंगे सारे गंद को। गाइस ये है जी सफ़ेद चूना, मतलब बीच में डेला भी डाला हुआ उन्होंने, कमा रही हैं। दो नंबरियाँ तो हर जगह पर ही होती हैं पाकिस्तान में, इतना बड़ा डेला डाला हुआ है बीच में। खैर इस चूने को हम जो है ना ये थोड़ा सा केज सूख जाए ये दोनों, तो इन दोनों में जो है ना अंदर खुडों में ज़मीन पे पूरा छिड़काव कर देंगे, ताकि जो कीड़े वकोड़े हैं वो सारे मर मुर के ख़त्म हो जाएं। मोरों के केज में कीड़े नहीं हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद खा जाते हैं, तो इधर कोई मसला नहीं है, लेकिन इस साइड पर मसला है। तो इस साइड पर हम चूना डालेंगे, और ये दोनों जो मुर्गियों के केज हैं इसमें भी चूने का छिड़काव होगा धुलाई के बाद। यहाँ पे जी साफ़ सफाई यहाँ पे हो चुकी है और थोड़ा बहुत सूख चुका है, तो हम ना चूना जो है ना वो अच्छी तरह ज़मीन पे चीज़ों पे डाल रहे हैं, ताकि जो कीड़े वगैरह हैं वो यहाँ पे मर जाएं और पैदा ना हो। बिलाल भाई की भी हालत देखें आप, पसीने से कैसी हो चुकी है। अपनी भी हालत जो है वो पसीने पसीने से बुरी हो चुकी है। सारे खुडों में अच्छी तरह डाल दें, खुडों में ही ज़्यादा कीड़े आते हैं। और ये वाले दो खुडे हमारे साफ ही थे, तो इसमें भी हमने अच्छी तरह चूना फैला दिया, और ये वाले थोड़े खुश्क हो जाएं तो उसमें चूना फैला के इनको वापस ट्रांसफ़र भी करना है। वो देखें इधर आगे भी डाल दें थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा डाल दें। एक बारी मेरे काम ख़त्म हो जाए ना उसके बाद हम सुकून से अपने जानवरों को जो है ना वो दाना और पानी डालेंगे। चलो भी मुर्गियों अपने गुड्डे में जाने का टाइम आ गया, बाहर आओ। चलो 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 ये दरवाज़ा बंद करना, इधर वाला दोबारा वापस इधर न जाए। चलो 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 चलो
चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो वापिस अपने पुराने घर में चलो 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 जी, काम ख़त्म हो गया। एक का तो काम ख़त्म हो गया, अब दूसरों वालों को भी शिफ्ट कर देते हैं। असील मुर्गियाँ और ब्लू और पिंटन भी वापस अपने घर पे आ गई हैं। इन वाले 2 केजिस की भी दोबारा से सफाई स्टार्ट हो गई है, जिनमें अभी रिसेंटली थोड़ा सा गंद डला। ये चेक करें जी, छत हमारी साफ़ सुथरी होना स्टार्ट हो गई है, बस ये थोड़ा सा गंद इधर रह गया और वो खुरे के पास। बाकी आप देखें, पीछे से सारी हमने नीट क्लीन कर दी है। देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं गोरे चिट्टे। और देखें मोर आ गया पहले ही लड़ने के लिए इनके साथ। सिर्फ एक ही चीज का मुझे खदशा था, देखें दावियार भी आया वो ऊपर। और अब इनको काफी खुली जगह मिल गई है, तो ये अच्छे पले बढ़ेंगे यहाँ पे। हालत देखें फुल गीली हो चुकी है टी शर्ट। अभी भी एक काम रह गया, नीचे से बतखें पकड़ के लानी है और वो ऊपर सेटअप पे छोड़नी है, या उनको नीचे ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से उनको नीचे ही रहने देते हैं, उनको थोड़े दिन बाद जब थोड़ी सर्दी आएगी ना फिर ऊपर मूव करेंगे, अभी उनको नीचे ही रहने देते। शामों के लिए दाना पानी जो है ना वो मैं डाल के रख देता हूँ कबूतरों को भी। बतखे रहने दें, बतखे फिर कभी ले आएंगे ऊपर, अभी गर्मी बहुत है, उनको नीचे ही तरह इंजॉय कर लेने देते हैं। इनके लिए दाना शाना डाल लेंगे। गाइस सफाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं पूरी छत की, छत खूबसूरत हो गई है, सारी प्यारी हो गई है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।